हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं खुशीबा। आज हम अपने किचन में कच्चे केले के कटलेट्स बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कच्चे केले लिए थे। ये मेरे पास 3 कच्चे केले हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है। जैसे हम आलू बॉईल करते हैं, सेम उसी प्रोसेस से मैंने कुकर में पानी लिया और इन्हें डाल करके और इसकी 6-7 मैंने विसेज लगाई हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाए, अच्छे से गल जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसका छिलका उतार दिया है, यानी कि इसे पील कर दिया है। और अब इसमें मुझे जो सामान चाहिए होगा, आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो अब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारे पास है ज़ीरा पाउडर यानी क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट और ये है लेमन जूस। ये मैंने हाफ लेमन स्क्वीज कर लिया है। ये मेरे पास है ग्राम फ्लावर। आप रोस्टेड चने भी ले सकते हैं, रोस्टेड चने का पाउडर आप बना सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल करके, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास हरा धनिया है। एक मैंने प्याज ली है मीडियम साइज़ की, जिसे अच्छे से चॉप कर लिया है। और ये है हरी मिर्च, 3 हरी मिर्च मैंने ली है, इनको भी मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो अब हम इसको सबसे पहले इसको मैश कर लेंगे अपने बनानास को। ये बहुत ईजीली मैश हो जाएगा, इस तरह से आप मैशर से भी कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको मैश कर लें तो ये बहुत अच्छे से, ये फॉक से अच्छे से हो गया है। आप चाहे तो इसमें आप पोटैटो भी डाल सकते हैं, पोटैटो भी बॉइल्ड इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने 3 बनानास लिए हैं तो 1 पोटैटो भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए अब इसमें हम बाकी की सामान इसमें ऐड करते हैं। ये ज़ीरा पाउडर मैंने लिया है 1/3 टी स्पून, गर्म मसाला भी 1/3, रेड चिली पाउडर भी 1/3 टी स्पून लिया है, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट लिया है, हाफ लेमन, और ये मेरा सारा कटिंग का सब सामान है, हरा धनिया, हरी मिर्च और प्याज, ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। और ये हमारा रोस्टेड चने का पाउडर, ये भी मैंने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, एक अच्छा सा डो बन जाएगा ये हमारा, बिल्कुल बहुत फर्स्ट क्लास। इसमें आप मसाला टेस्ट कर सकते हैं, अगर कुछ कमी है तो आप इसमें और एडिशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसकी बनाएंगे कटलेट। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपने हाथों में थोड़ा सा पानी ले लेंगे ताकि हमारे हाथ में चिपके ना। तो इस तरह से इसको हम कटलेट की शेप दे देंगे, जो भी शेप हम चाहते हैं, राउंड बनाना चाहें या जो भी शेप हम इसकी देना चाहें उस शेप में हम इसको बना सकते हैं। तो हम इस तरह से हम इसकी शेप दे रहे हैं इसकी। तो इस तरह से हम बना बना के अपने सारे कटलेट्स रख लेंगे। अगर हाथ में चिपक रहा हो तो आप थोड़ा सा पानी लगा सकते हैं ताकि हाथों में ना चिपके। ये देखिए इस तरह से ये बहुत इजीली बन जाते हैं। तो इसी तरह से हम अपने बाकी के भी बना के रख लेंगे। तो देखिए हमारे कटलेट इस तरह से बन के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अपना पैन रख लिया है, इसमें हमने ऑयल ले लिया है और अब हम अपने सारे कटलेट्स इसमें डालेंगे और शैलो फ्राई करेंगे। धीरे धीरे हम इसमें सारे छोड़ देंगे और एक साइड से हमारे हो जाएंगे तो हम दूसरी साइड से करेंगे। और हम ये लो मीडियम साइज फ्लेम पर करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से हो जाएंगे क्रिस्प लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसलिए हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही इसको पकाना है। इसको एक साइड से हो जाने देंगे फिर हम इसको टर्न कर देंगे। तो देखिए एक साइड से हो चुके हैं और अब हम इन्हें टर्न कर देते हैं। धीरे से इसको इस तरह से टर्न कर देंगे और ये फर्स्ट क्लास हो रहे हैं। ये देखिए सब हो चुके हैं मेरे एक साइड से, अब इसको हम दूसरी साइड से भी अच्छे से हो जाने देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे हो गए हैं और हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर एब्जॉर्बेंट पेपर पे। ये देखिए कितने फर्स्ट क्लास हो गए हैं। और फिर इसे हम आपको अभी डिश आउट करके भी दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे कटलेट बनकर एकदम रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बने हैं। और इसे आप ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।